स्टूडेंट, आज हम समझते हैं अकाउंट में खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट। खातों के प्रकार, खाते देखा जाए तो वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन खातों के प्रकार हम अकाउंट वाइज देखते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक खाता, एक होता है व्यक्तिगत खाता, यानी पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है अव्यक्तिगत खाता, यानी इम्पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत खाता क्या होता है। तो व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हुआ, फर्म हुई, संस्था हुई, कंपनी हुई, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई, या कोई इनकॉर्पोरेशन, या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो इस प्रकार की संस्था जो व्यक्ति जो नाम से परिभाषित है, व्यक्तिगत खाते यानी व्यक्ति व्यक्ति के अंतर्गत आती है, ऐसे जिनका कोई नाम होता है ऐसी संस्थाओं को, ऐसे अकाउंट को हम व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे होते अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खाते जो व्यक्तिगत खाते नहीं है वो अव्यक्तिगत खाते हैं। अव्यक्तिगत खाते या पर्सनल अकाउंट दो प्रकार से आइडेंटिफाई होते हैं, एक वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट, दूसरा होते हैं नाम मात्र के खाते नॉमिनल अकाउंट। वास्तविक खाते वे खाते होते हैं जो वास्तव में किसी संपत्ति को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी ऐसे खातों को संपत्ति खाते के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक खाते में जैसे कोई हमारी संपत्ति हुई, भूमि हुआ, भवन हुआ, फर्नीचर हुआ, रोकड़, माल, ये सारी हमारी संपत्तियां हैं। इन सभी संपत्ति खातों को हम वास्तविक खातों के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के खाते वास्तविक खाते कहलाते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिनका जो नाम मात्र के लिए अपने व्यापारिक संस्थान में प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे खातों को आय व्यय खाते के नाम से भी जानते हैं। आय व्यय खाते का मतलब ऐसे खाते जो हमारे लाभानि खातों पर प्रभाव डालते हैं, ऐसे खातों को नाम मात्र के खाते के नाम से जानते हैं। तो ऐसे खाते जो व्यापार खाते और लाभानि खाते पर अपना प्रभाव डालते हैं,
इन खातों को हमारे नाम मात्र के खाते यानी आय व्यय खाते के नाम से जानते हैं। जैसे हुआ मजदूरी, हुआ वेतन, हुआ किराया, हुआ कर, हुआ इस प्रकार के खाते हमारे नाम मात्र या उनसे प्राप्त आय हुई इस प्रकार के खाते नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। अब इन खातों के हम नियमों को समझते हैं कि कौन कौन से नियम हैं जो जर्नल बनाते समय इन खातों में होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत खाते का नियम। सबसे पहले व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट वॉल रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट यानी पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, ये हमारा पर्सनल अकाउंट का सुन नंबर वन। नंबर टू रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, पर्सनल यानी व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता। अब हम वास्तविक खाते में देखते हैं वास्तविक खाते में देखेंगे व्हाट कम्स इन, रियल जो संपत्ति आती है रेडी कही जाएगी, व्हाट गोज आउट सीआर जो संपत्ति जाती है धनी कही जाएगी। इसके बाद देखते हैं नाम मात्र के खाते। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र के खाते का नियम है आय व्यय एवं हानि रेडी यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आरडीआर, आय एवं लाभ धनी इनकम एंड गेन सीआर। इस प्रकार से हम इन्हीं खातों का
आज हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट समझाया है। टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमने इस चीज को समझा है कि हमारे पास कितने टाइप्स के अकाउंट हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। तो हमने जैसा कि समझा है, हमने तीन प्रकार के खाते, वैसे खातों के प्रकार के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास जो खातों के प्रकार हैं, दो प्रकार के खाते होते हैं, एक व्यक्तिगत खाते, दूसरा व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते, जैसे व्यक्ति हुआ, फर्म हुआ, संस्था हुई, कंपनी हुई, ये व्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जो व्यक्तिगत व्यक्तियों से संबंधित नहीं होते या किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित नहीं होते, अव्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। और जो अव्यक्तिगत खाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते वास्तविक खाते, दूसरा नाममात्र के खाते। वास्तविक खाते वे खाते होते हैं जो किसी वास्तव में किसी संपत्ति खाते से संबंधित होते हैं, यानी किसी संपत्ति का विश्लेषण करते हैं, वास्तविक खाते कहलाते हैं। नाममात्र के खाते वे होते हैं जो आय व्यय से संबंधित होते हैं, नाममात्र के नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। वास्तविक खाते का जो नियम है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी जो संपत्ति आती है उसे डेबिट करेंगे और जो संपत्ति जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट यानी नाममात्र खाते का विश्लेषण इस प्रकार से करते हैं, वे एवं हानि डेबिट, यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, आय एवं लाभ क्रेडिट, यानी इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, इस प्रकार से। और व्यक्तिगत खाते का जो नियम है वो ये है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करेंगे, यानी पाने वाला रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। ये हमारे अकाउंट के गोल्डन नियम है। इन गोल्डन नियम के हिसाब से हम जनरल, जितने भी जनरल होते हैं जो पुष्पालन है उसमें एक खाते को हम डेबिट, दूसरे खाते को क्रेडिट करते हैं। इन गोल्डन रूल को फॉलो करके हम अकाउंट के अधिक से अधिक एंट्रियां बनाते हैं, यानी मैक्सिमम जो एंट्रियां हैं, जो सभी एंट्रियां हैं, इन गोल्डन नियम को फॉलो करके बनाई जाती है। पूरी अकाउंट जो हमारी डिपेंड है वो इन गोल्डन नियम को फॉलो करके कंप्लीट किया। तो हमें आशा है आपको गोल्डन नियम समझ में आए होंगे। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करिए, नोट करने के बाद इनको लर्न करिए, इनके विस्तार से व्याख्या जो जैसा कि मैंने समझाया उसे समझिए, जिससे कि आपको भी इन्हें इनको समझने में आसानी हो। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक।